मैक्स प्राग के उसी होटल में पहुंचकर कुरियर कंपनी से उस फोन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ पता नहीं लगता। जिसके बाद मैक्स को दोबारा उस फोन पर एक मैसेज रिसीव होता है, जिस पर लिखा था कि 13 नंबर मशीन पर जाओ। जिसके बाद वह भी ऐसा ही करता है और 13 नंबर मशीन के आगे पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि वहां पहले से एक आदमी मौजूद है, जिसे वह $100 देकर उसे वहां से हटा देता है। और हर बार की तरह ही उस फोन के मैसेज की ये बात भी सच निकलती है और उस मशीन में उसको एक जैकपॉट लगता है। लेकिन मैक्स को नहीं पता था कि कैसीनो में लगे कैमरों से उस पर नजर रखी जा रही है। कैसीनो का सिक्योरिटी इंचार्ज जॉन उस पर खास नजर रखने को कहता है। जिसके बाद अब मैक्स को एक और मैसेज रिसीव होता है, जिस पर लिखा टेबल नंबर 6 पर जाओ। जिसके बाद मैक्स टेबल नंबर 6 पर जाकर अपना सारा पैसा लगा देता है और इस बार भी वह एक और जैकपॉट जीत जाता है। सर्वेलेंस रूम पर बैठा जॉन देखता है कि वह खेलते वक्त अपना फोन यूज कर रहा है। जिसके बाद वह फॉरेन एक बाउंसर को उसके पास भेजता है और वह मैक्स के पास आकर कहता है कि सर यहाँ पर फोन चलाना अलाउड नहीं है। जिसके बाद मैक्स उस कैसीनो से बाहर जाकर एक यूरी नाम के आदमी को कॉल लगाता है। यूरी दरअसल एक टैक्सी ड्राइवर था जो कि फोन को हैक करना भी जानता था, उसे सभी प्रकार के गैजेट्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। जिसके बाद मैक्स जैसी कैसीनो के अंदर वापस जाने लगता है और वह देखता है कि एक आदमी अपनी वाइफ को परेशान कर रहा है। उस आदमी को समझाने पर वह आदमी मैक्स को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है।